और अब मैं बनाने जा रही हूँ दाल मक्खनी शॉर्ट्स। दाल मक्खनी के नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आता है। एक क्रीमी दाल ब्राउन कलर की जो हम सभी को बहुत अच्छी लगती है तंदूरी रोटी और नान के साथ। तो आज उसका हम बहुत सुंदर सा एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, सो लेट्स स्टार्ट। ये मैंने दाल लिया है उड़द का, ये साबुत उड़द का दाल है और इसको मैंने 8 आवर्स के लिए सोक कर दिया है। सोक करने के बाद अबाउट 30 मिनट्स पर सिम गैस पे उसको बॉईल किया है कुकर में। बॉईल करने के बाद ये इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा और अब हम इसको बनाएंगे। ये मैंने 1/2 कप दाल लिया था। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देखेंगे सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ दाल बॉईल किया हुआ। दाल के बाद मैं इसके अंदर मिल्क ऐड कर दूंगी। अब हम इसको कुक करेंगे। दाल मक्खनी जो नाम है इसका वो इसके टेक्सचर से आया है क्योंकि ये बहुत क्रीमी फॉर्म का होता है। अंदर मैं ऐड कर रही हूँ अनियन पेस्ट अबाउट 1 टेबल स्पून एंड टोमेटो प्यूरी अबाउट 1 टेबल स्पून। आप देखिए मैं इंग्रेडिएंट्स डायरेक्टली डाल रही हूँ कसूरी मेथी और अब हम डालेंगे कॉमन स्पाइसेस। कॉमन स्पाइसेस में सबसे पहले सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, देन गरम मसाला 1/4 टीस्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1/2 टीस्पून और हम इसको अगेन अच्छे से मिक्स कर देंगे। दाल मखनी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप उसको कितना ज्यादा कुक करते हैं। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ क्लैरिफाइड बटर यानी कि देशी घी अबाउट 1 टेबल स्पून। और अब हम इसको कंटिन्यूअसली कुक करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग वे फॉर कुकिंग दिस दाल मखनी और बहुत इजी है। नॉर्मली आप जो रेसिपीज देखते हैं ये उससे बिल्कुल अलग है। ये बॉईल होगा और हम इसको बीच बीच में स्टर करते रहेंगे। इसको हम 10 मिनट तक ब्रॉड वेसल में अच्छे से कुक करेंगे। अभी 10 मिनट्स हो गया है और ये देखिए दाल भी अच्छे से कुक हो गई है। अब हम इसको पोर करेंगे। पोर करने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा मलाई ऐड कर रही हूँ। मलाई या व्हाइट क्रीम आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ऊपर मैं थोड़ा सा चीज स्प्रिंकल कर रही हूँ और थोड़ी सी फ्रेश कोरिएंडर लीफ और इसके बाद मैं इसको एक लेमन रिंग से डेकोरेट कर दूंगी। बहुत टेस्टी एंड लुक्स वाइज भी बहुत अच्छा है ये।
आपने देखा तैयार हो गया हमारा दाल मखनी शॉट्स। मैंने इसके साथ मल्टीग्रेन आटे से लावाश प्रिपेयर किए हैं। आप मेरी इस डिश को ज़रूर लाइक करेंगे। मेरे इस पेज को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।